ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन दी फौजों विचाले हिंसक झड़पों में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करदिया चीन ने दी चेतावनी कहा शहीद फौजियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जान देवांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को अपने ही पेंडू खेतरों में रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस राही लॉन्च की योजना। तो बुलेटिन का आगाज कर लें। सर्वपार्टी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिता गया बयान कि कोई भी लद्दाख में भारतीय सरहद में दाखिल नहीं होया तो ना ही किसी अहदे पर कब्जा है। कांग्रेस ने विरोधी धिर के कई नेतावान ने इस बयान से सवाल खड़े किए हैं। हुण प्रधानमंत्री दफ्तर के पीएमओ ने स्पष्टीकरण जारी किया जिस विच ये कहा जाता है कि सैनिकों की कुर्बानियां ने ढांचीगत उसारी 15 जून गलवान में हमले की चीन दी कोशिशों असफल कर दिता है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी लद्दाख में भारत की सरहद में दाखिल नहीं होया तो ना ही साड़ी कोई चौकी किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा लिए कोई कसर बाकी नहीं छड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि सरहद से साड़ियां तैयारियां मजबूत किया गया है जिस कारण साडे जवान आसानी नाल गश्त कर सकते हैं। हुण तक उन्होंने कोई रोक नहीं रहा सी पर हुण साडे सैनिक उन्होंने हर कदम से रोक रहे हैं जिस नाल तनाव वध रहा है। उधर कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन नाल पैदा हुए विवाद उते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय खेतर चीन को सौंप दिता है। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन दी फौजों विचाले हिंसक झड़पों में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करदिया चीन को चेतावनी दी है। एयर चीफ मार्शल ने चीन को चेतावनी दी है कि शहीद फौजियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जान दिया जाएगा। काबिले गौर है कि चीन वालों जारी तनाव विचकार भारतीय फौज पूरी तरह तैयार है। हवाई सेना ने लेह लद्दाख में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं ने। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हवाई फौज की तैयारियों का जायजा लेने दो दिनों में लेह श्रीनगर का दौरा किया। इस दौरान हवाई सेना के मुखी ने तैयारियों संबंधी पूरी जानकारी ली। दस दईए कि चीन तो आए तनाव के विचकार हवाई फौज पूरी तरह चौकस है। भारतीय हवाई सेना ने किसी भी स्थिति में चीन नाल नजिठण लई असल कंट्रोल रेखा नेड़े फॉरवर्ड बेस एयरफील्ड विखे लड़ाकू जहाजा अते होर उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी है। हवाई सेना के चीफ आरकेएस भदौरिया ने लेह अते श्रीनगर के एयरबेसा का भी दौरा किया। यह दौरा गलवान घाटी में चीनी फौजियों वालों भारतीय फौजों उत्ते हमला करने तो बाद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों को अपने ही पेंडू खेतरों में रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार पिंड में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना में 6 सूबे के 116 जिले शामिल किए गए हैं जिस विच राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश और उड़ीसा शामिल किया गया। हर जिले को घट्टो घट 25,000 इस योजना में शामिल होंगे। इस तरह लगभग 1/3 प्रवासी मजदूरों को इस मुहिम का लाभ मिलेगा। देश में महामारी का कहर लगातार जारी है। हालांकि इस विच चंगी खबर यह भी है कि सरगर्म मामलों की गिनती ठीक होने वाले लोगों तो घट है। देश में हुण तक 3,95,048 लोग इस नाल पीड़ित हो चुके हैं। उते ही इसकी लपेट में आने नाल हुण तक 12,948 लोगों की जान जा चुकी है। राहत की खबर यह भी है कि देश में इस समय ठीक होने वाले की गिनती सरगर्म मामलों तो वध है। देश में सरगर्म मामलों की गिनती 1,68,269 है जदों के 2,13,831 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के सेहत मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो फिलहाल उन्होंने बुखार नहीं है।
कोविड 19 नाल पीड़ित सतेंद्र जैन नूं निमोनिया होण अते सेहत खराब होण ते इलाज लई राजीव गांधी सुपर स्पैशलिटी हस्पताल तो शिफ्ट करके शुक्रवार नूं दक्षिणी दिल्ली दे साकेत स्थित मैक्स हस्पताल लिया गया सी। सेहत मंत्री दफ्तर वालों शनिवार नूं यह जानकारी दी गई कि सतेंद्र जैन नूं प्लाज्मा थैरेपी दी गई है ते उन्हां नूं बुखार नहीं है। दफ्तर मुताबिक जैन ICU विच डॉक्टरां दी निगरानी विच ने अते अगले 24 घंटे च उन्हां दी सेहत ते नज़र रखी जाएगी। जैन नूं तेज़ बुखार अते साह लैण विच परेशानी महसूस होण ते सोमवार रात राजीव गांधी सुपर स्पैशलिटी हस्पताल विच भर्ती कराया गया सी। सेहत मंत्री दफ्तर ने जानकारी दित्ती सी कि जैन नूं फेफड़िआं विच इन्फैक्शन दी शिकायत ते ऑक्सीजन दे सहारे रख्या गया। उन्हां विच कोरोना इन्फैक्शन दी बुधवार नूं पुष्टि होई सी। इस तों पहलां मंगलवार नूं उन्हां दी जांच रिपोर्ट नैगेटिव आई सी। उधर पंजाब विच महामारी का कहर लगातार जारी है। अज सवेरे मोहाली विच 5 नवे केस पॉजिटिव आए ने। इस दिनाल ही फगवाड़ा दे सिटी थाने दे SHO अते उन्हां दे गनमैन सने 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उते ही संगरूर जिले के मलेरकोटला कस्बे विच एक मरीज की महामारी नाल मौत हो गई है। संगरूर विच इस तों पहलां 6 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले विच एक्टिव केसां की गिनती 42 तक पहुँच गई है। पिछले 2 दिनों विच 28 पॉजिटिव केस आए ने। लुधियाना विच महामारी नाल एक होर मौत होने की खबर है। उधर अमृतसर विच 12 व्यक्ति होर पॉजिटिव आने नाल कुल गिनती 745 हो गई है। इत्थे एक होर मौत होने नाल मौतों की कुल गिनती 31 हो गई है। पॉजिटिव केसों नूं देखदिआं जिले का प्रशासन चिंता विच है। डॉक्टर संगीता जैन सीनियर मैडिकल अफसर सब डिवीजनल हस्पताल डेराबसी तहसीलदार डेराबसी वालों पिंड मुबारकपुर के हालातों का जायजा लिया गया। हालातों नूं देखते हुए SMO डॉक्टर संगीता जैन अते टीम वालों यह फैसला लिया गया कि मुबारकपुर पिंड का पूरा बाजार सरकारी आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी मुबारकपुर तो लैके मेन रोड मुबारकपुर तक कंटेनमेंट जोन बना दिता जाए, क्योंकि इस थान के लोग वख-वख फैक्ट्रियां विच काम करते हैं अते इस करके महामारी वधन का खतरा है। इस मौके पुलिस विभाग वालों अपने कमांडो लगा के इलाके नूं सील करता गया। डॉक्टरी सिक्ख्या अते खोज मंत्री OP सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार कोविड 19 के मरीजों की सहूलत लई निजी हस्पतालों के रेट तय कर जा रही है ताकि कोई भी हस्पताल मौके का नजायज़ फायदा ना ले सके। स्थानक सर्किट हाउस विच मिशन फतेह तहत मौजूदा स्थिति उत्ते विचार चर्चा करने लई मीटिंग मगरों प्रेस नाल गलबात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी हस्पतालों विच कोविड 19 के इलाज लई सारियां दवाइयां सहूलतां अते स्टाफ आदि मौजूद ने, पर फिर भी जेकर कोई निजी हस्पताल विच अपना इलाज करवाना चाहुंदा होवे तां सरकार उस उत्ते आने वाले खर्चे नूं ध्यान विच रख के निजी हस्पतालां दे रेट तय करन जा रही है। उन्होंने भी दस्सिया कि इस वेले पंजाब दे 3 सरकारी मैडिकल कॉलेजां विच रोज़ाना 3,000 कोविड टैसट करन वालियां मशीनां काम कर रही ने, जिन्हां सदका करीब 2,00,000 टैसट किया जा चुका है ते आने वाले 15 दिनों दे विच जलंधर लुधियाना ते मोहाली विच 1,000 रोज़ाना टैसट करन वालियां 4 नवीं लैबोरेटरियां स्थापित कीतियां जा रही ने। देश विच महामारी का कहर रुकन का नाम नहीं ले रहा। जय विच केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन के अधीन लगातार दूजे देशों विच फसे भारतीयों नूं कढ के भारत लिया रही है। अज शनिवार नूं भी नागरिक हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मिशन की सफलता नूं दस्सदे कहा कि असी हुण तक करीब 2,75,000 लोगों नूं अपने देश वापस लैके आए हैं। इस महामारी के दौर विच इह कोई छोटी गिनती नहीं होंगी। हरदीप सिंह पुरी ने दस्सिया कि इस मिशन के अधीन सब तो ज़्यादा यात्री केरल विच आए ने। इस दे नाल ही उन्होंने भी कहा कि उन्होंने फ्लाइट की गिनती नूं वधाउण की समर्था पूरी तरह नाल टारगेट स्थान की फ्लाइट नूं लैण की इच्छा ते निर्भर करती है। रिजर्व बैंक के साबका गवर्नर उर्जित पटेल नूं नवीं जिम्मेवारी सौंपी गई है। दरअसल उर्जित पटेल नूं नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल तो पहला इस अहुदे ते विजय केलकर जिम्मेवारी संभाल रहे सन। केलकर ने 2014 विच यह अहुदा संभालिया सी। हालांकि उर्जित पटेल 22 जून नूं NIPFP दे चेयरमैन का अहुदा संभालणगे। इस दी जानकारी देंदिया NIPF दे एक बयान विच कहा कि उन्हां नूं खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे साबका गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 तो 4 सालां लई संस्था दे चेयरपर्सन वजों उन्हां नाल जुड़ रहे ने। जिक्र खास है कि NIPFP दा मुख उद्देश जनतक आर्थिकता नाल जुड़े खेतरां विच पॉलिसी निर्माण विच योगदान पाउणा है। इस संस्था नूं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तों इलावा होर वख-वख सूबा सरकारां तों सालाना ग्रांट सहायता मिलदी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते DGP पंजाब दिनकर गुप्ता की प्रेरणा सदका जलंधर पुलिस कमिश्नर वालों पुलिस लाइन विच समारोह किया गया, जिस विच पुलिस के जवानों ने सहुं भी चुकी कि एकजुट होकर महामारी खिलाफ लड़नगे।
इस दौरान पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह पुल्लर ने दस्सिया कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अदाकार अक्षय कुमार वालों पंजाब पुलिस नूं 500 स्मार्ट कड़ियां भेजिया गई ने। इन्हां कड़ियां की खासियत यह है कि यह व्यक्ति का तापमान बीपी और होर कई बीमारियों बारे दसदियां ने। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह पुल्लर ने कहा कि जदों भी देश से कोई आपदा आई है तो पंजाब के पुलिस जवान हमेशा अगे आते हैं तो मुश्किल का समा डट के सामना करते हैं। इतने दस दिए कि अक्षय कुमार इस तो पहला मुंबई पुलिस से नासिर पुलिस को अजिहियां कड़ियां दे चुके हैं। मिशन फतेह तहत पंजाब के जिले नूं लोगों के सहयोग नाल महामारी तो मुक्त करने लई आरंभी गई मुहिम तहत नवांशहर के जिला पुलिस हैडक्वार्टर विखे SSP अलका मीणा वालों पुलिस नाकियां ते ड्यूटी निभाउण वाले वलंटियर्स नूं मिशन फतेह दे बैच लगाए गए। उत्थे उन्हां नूं पुलिस नाल किते सहयोग लई प्रशंसा पत्र भी दिए गए। जिला पुलिस मुखी ने इन्हां वलंटियर्स नूं पिंड पिंड जाके मिशन फतेह तहत लोगों नूं कोविड तो अपने बचाव लई मास्क पहनन, हथ वार वार धोन अते समाजिक दूरी रखण जिहियां सावधानियां बारे जागरूक करन लई कहा। उधर महामारी नूं लैके पंजाब सरकार वल्लों शुरू की गई मुहिम मिशन फतेह तहत जागरूकता मुहिम का जैतो विच भी आगाज किया गया, जिसकी अगवाई DSP जैतो वालों की गई। लोगों को जागरूक करने लिए हाथों में स्लोगन फड़ के पुलिस वालों सारे बाजार में होंदे हुए यह रैली कढ़ी गई। यह रैली रामलीला ग्राउंड तो शुरू होकर सारे बाजारों में होंदे हुए मुड़ रामलीला ग्राउंड में ही समाप्त हुई। पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की भाल में बिहार पुलिस का दस्ता अमृतसर उन्होंने घर पहुंच गया। पुलिस दस्ता 3 दिनों तो सिद्धू के निवास के बाहर है, पर उन्होंने वालों कोई जवाब नहीं मिल रहा। बिहार पुलिस की टीम कटिहार में सिद्धू विरुद्ध दर्ज मुकदमे के सिलसिले में इतने आई है। दसा जा रहा है कि पुलिस टीम इस मामले में उन्होंने जमानत देन पहुंची है। पंजाब का सबका स्थानक सरकार मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के घर से बिहार पुलिस की टीम लगातार उन्होंने संपर्क करने की कोशिश कर रही है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं मिल रहा। जानकारी मुताबिक सिद्धू से 2019 दी लोकसभा चोणों दौरान विवादपूर्ण भाषण देने के दोष में कटिहार के वरसोई थाने में मामला दर्ज किया गया। गैर कानूनी रेता मिट्टी की हो रही नजायज माइनिंग नूं रोकण लई SDM फगवाड़ा वालों फगवाड़े के वख-वख नाकियां ते अध्यापकां दीआं ड्यूटियां लगाउण दे मामले ते पंजाब सरकार ने यू टर्न लैंदिआं इस हुकम नूं वापस लै लिया। इस तों बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार की तिखी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने सवाल किया कि पंजाब सरकार कौन चला रहा है, सरकार चल किवें रही है ते कौन चला रहा है। अज पहला फगवाड़ा दे विच ऑर्डर ए कीते गए कि जिहड़े सरकारी टीचर ने ओह नाकियां दे उपर खड़ के जिहड़ी इलीगल माइनिंग दे ट्रालियां और ट्रक ने उन्हां नूं कंट्रोल करनगे। ते जदों असीं आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा चक्या ते फिर हुण पता लगे कि इमीजिएटली ओह ऑर्डर ने जिहड़े ओह वापस लै लए गए ने। तुहानूं चेते करावां कि इस तों पहलां वी इस तरह होया सीगा कि टीचरां दीआं ड्यूटियां ने जिहड़ियां ओह इलीगल डिस्टिलरीआं दे विच जिहड़ी शराब बनदी है इलीगल शराब बनदी है उहनूं कंट्रोल करन दी लई रातां दी ड्यूटियां लाईआं गईआं सीगीआं। जदों असीं मसला रेज कीता उहदा रौला पिया शोर पिया ते उस तों बाद सरकार ने ओह ऑर्डर भी इमीजिएटली वापस लै लए सीगे। अज वी बिलकुल उसे तरीके नाल होया। हुण समझ नहीं आउंदी हैगी कि इह सरकार चला कौन रहा। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती करूंगा कि जागो उठो, आपदी सरकार नूं ड्राइवरलैस गड्डी दी तरह चलन की इजाजत ना देके इहदे उपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करो। अज महसूस यह हो रहा है कि जिवें अन्ने नूं गोला घड़ीसी फिरदा हुंदा, अज पंजाब दे विच पंजाब सरकार नूं अन्ने दे विच अन्ने नूं गोला घड़ीसी फिरदा, किसे नूं कख नहीं पता हैगा कि की करना है, की करना चाहिए ते हो की रहा है। सो इस करके कैप्टन साहब नूं बेनती है कि तुहाडे महज गिणती दे 1.25 साल रह गया, पंजाब दा पहले बहुत नुकसान हो चुक्या इस तरीके दे नाल। डायरेक्शनलैस और ड्राइवरलैस गड्डियां ने जिहड़ियां उन्हां दा एक्सीडेंट ही होंदा हुंदा, पंजाब दा पहले नुकसान हो चुक्या, होर नुकसान होणो आपां सारे रल मिल के बचा लईए। अकाली दल कोर कमेटी मैंबर अते इंडस्ट्री अते व्यापार विंग दे नवनियुक्त सूबा प्रधान अते डेराबस्सी दे मौजूदा MLA NK शर्मा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने पहुंचे, जिथे उन्हां वल्लों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया गया अते इलाही बाणी सरवण की गई। इस मौके उन्हां जिथे पार्टी हाईकमान वल्लों यह मान बख्शन ते वाहिगुरु का शुकराना किया, उते ही पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का धनवाद किया। इस मौके एडिशनल मैनेजर रजिंदर सिंह रूबी अते सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह वल्लों उन्हां नूं सम्मान चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇਈ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜੇਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮਨਪਾਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश चुनी बाकी खबरों की जानकारी तुसे बने रहो साडे नाल चाटी का टाइम टीवी ते। धन्यवाद।